नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। अभी हाल ही में इस वर्ष होने वाले बिहार पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची जारी कर दी गई है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुजफ्फरपुर जिला मजिस्ट्रेट समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में एक केस दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के वकील जयचंद्र प्रसाद साहनी ने बताया कि चाकी सुहागपुर में मतदाता के रूप में अन्य पंचायत के लोगों के नाम सूचीबद्ध करने के मामले में इन सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़ा प्रावधान किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि अंतिम सूची प्रकाशित करते समय सभी बीडीओ को यह लिखित प्रमाण देना होगा कि प्रकाशित मतदाता सूची सही है। आयोग के इस कड़े कदम के बाद अधिकारियों से लेकर मतदाता सूची तैयार करने वाली एजेंसियों तक में हड़कंप है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आयोग ने सभी बीडीओ को विधानसभा की मतदाता सूची में से उन लोगों के नाम की सूची भेजी है जिनका नाम किसी कारणवश पंचायत की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है। आयोग ने कहा है कि अब सभी वीडियो छूटे मतदाताओं के नाम वाली सूची डाउनलोड कर देख लेंगे कि पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित प्रारूप में उन मतदाताओं के नाम हैं या नहीं। अगर उनका नाम मतदाता सूची से छूट गया है या दूसरे मतदान केंद्र या पंचायत में अंकित हो गया है तो यह सुनिश्चित होने के बाद वीडियो उसमें सुधार करेंगे। सुधार के बाद ही मतदाता सूची का प्रकाशन किए जाने की बात कही गई थी। निर्देश में यह भी कहा गया था कि उस फाइनल मतदाता सूची के प्रकाशन के समय सभी वीडियो को यह लिख कर देना होगा कि प्रकाशित मतदाता सूची सही है और विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज सभी नाम पंचायत की सूची में भी शामिल हैं। वहीं अब मतदाता सूची की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से मतदाता सूची में गड़बड़ी की खबर सामने आ रही है। यही कारण है कि इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव बिना किसी गड़बड़ी के और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह संकल्पित है। वहीं पंचायत चुनाव में ईवीएम की खरीद के लिए निर्वाचन आयोग से अनापत्ति पत्र नहीं मिलने पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से 21 जुलाई 2020 को जारी उस हिस्से को चुनौती दी गई है जिसके तहत प्रत्येक राज्य के निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम वीवीपैट मशीनों की आपूर्ति और डिजाइन के पहले भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेना अनिवार्य है। इस वर्ष राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम मशीनों की खरीदारी करने के पूर्व भारत निर्वाचन आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए पत्र भेजा था, लेकिन अब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है जिस वजह से बिहार पंचायत चुनाव में देरी होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए एक विशेष तकनीक युक्त ईवीएम की जरूरत है जिसे सिक्योर्ड डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल प्रणाली कहा जाता है। दायर याचिका में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी आरोप लगाया है कि तकनीकी युक्त ईवीएम मशीनों की आपूर्ति की मंजूरी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पंचायती राज चुनाव के लिए खुद भारत निर्वाचन आयोग ने दी है, लेकिन बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में मशीन की खरीद करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में आयोग बिहार के साथ भेदभाव कर रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।